मार्केट को लेके कि ये पता है जो भाव देगा जाता है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल भाव देता है, वो बनेंगे नहीं बनेंगे एक संशय रहता है, लेकिन जब वो भाव बनते तो फिर सब मुझे याद करते हैं। ऐसे ही कुछ जीरे के साथ भी हुआ और ऐसे ही अब इस बार धनिया के साथ हुआ। 2014-15 के जो भाव बने थे 13,400-450 के जो लेवल्स के भाव बने थे वो भाव अभी जल्द देखने को वापिस से मिल सकते हैं। अभी इस कमोडिटी को हम लोग 4,000 के भाव से क्या है वॉच कर रहे हैं। क्या होता है कि हम लोगों की टेंडेंसी सेट होती है कि भैया 4,000 के भाव में 400 की मंदी आती है तो वो हमें लगता है कि बहुत बड़ी मंदी आई है, 10% का भाव। अब 11,500 के लेवल पे जब हम बैठे हैं तो हमारी टेंडेंसी आज भी वही है, हमें अपनी टेंडेंसी को बदलना पड़ेगा। आज आप 11,500 के भाव की जब बात करते हैं तो आपकी कमोडिटी के फ्लक्चुएशन भी बढ़ेंगे। आज अगर 2-3% के फ्लक्चुएशन की भी अगर बात करें तो 400-500 का फ्लक्चुएशन, 600 का फ्लक्चुएशन अब इस कमोडिटी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। आप निफ्टी को देखिए, आज 20,000 के भाव में 800 पॉइंट भी गिर जाती है, 800 पॉइंट भी बढ़ जाती है तो कोई इंपैक्ट नहीं आता है, लोगों को एक नॉर्मल लगता है। वो की वो चीज इन कमोडिटीज के साथ भी होती है। अभी जीरे का भाव 20,000 से ऊपर का चल रहा है, जीरे के भाव में 20,000 के भाव में जब 1200-1300 पॉइंट की मंदी आती है तो इतना घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन जब कमोडिटीज के प्राइस राइज होते हैं तो उसमें ये फ्लक्चुएशन आता है। आप गोल्ड के भाव देखिए, 50,000 के भाव पे गोल्ड का फ्लक्चुएशन किस लेवल पे होता है। तो ये टेंडेंसी बदलनी पड़ेगी। आज आपकी कमोडिटी 4,000 की कमोडिटी नहीं रही है, आपकी कमोडिटी 11,000 से ऊपर की कमोडिटी हो चुकी है। अभी शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, मैं दो तरीके के व्यूज आपको दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं आपका, दो व्यूज में आपको देके जा रहा हूं। अगर आप सबके पास बोर्ड पर है तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट कर लीजिए आप। मैं आपको तीन टारगेट जो है इस कमोडिटीज के आने वाले समय के लिए देके जा रहा हूं। पहला मेरा 150 का पॉइंट लिखिए आप, दूसरा 180, और ये जो आपने इसको मैं सही कर देता हूँ मेरे मन के भाव के हिसाब से। एक बार चला के देखो आप क्या तो ये अपना एक टारगेट तो ऐसे हुआ, ये अपना पहला टारगेट है। अभी कमोडिटीज की कंडीशन ये है कि ये 2014 के एक टॉप बॉटम पे खड़ा है तो स्लाइटली एक प्रेशर इस पे बनता हुआ लग रहा है, डेफिनेटली उसको इनकार नहीं किया जा सकता। वो प्रेशर जो मुझे नजर आ रहा है वो 9,800 के लेवल इस कमोडिटीज में मुझे टूटते हुए नहीं लग रहे, लेकिन प्रेशर आएगा। लेकिन वो प्रेशर इसलिए आएगा क्योंकि डबल टॉप की कंडीशन है, 8 साल के डबल टॉप्स के भाव है, तो वो एक टेंडेंसी होती है कि इतने ऊंचे के भाव में हर आदमी प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए सोचता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आता है। लेकिन ओवरऑल जो चांसेस है वो सारे के सारे तेजी के। जो मैंने आपको तीन टारगेट दिए उसका मेरा ये मानना है कि ये जो 2022-23 का जो साल है, 2022-23, 21-22 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2022-23 की बात कर रहा हूँ, 2022-23 के मिड सेशन के आसपास में ये भाव आपके बन जाएंगे। अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रेंज जो है वो 9,800 से 11,000 की बनी हुई है। जो थोड़ा बहुत पोजिशनल ट्रेडर है जो 3-4 महीने का ट्रेडिंग लेके चल रहे हैं उनके लिए 13,500 से 15,000 की रेंज आने वाले समय में रहेगी। 11,000 के जो लेवल्स हैं वो बाइंग के बहुत अच्छे लेवल्स हैं, 9,800 के सपोर्ट लेवल उस पर बना हुआ है तो मुझे लगता है नहीं टूटना चाहिए, और उसके ऊपर जो है 13,500 से 15,000 के रुझान रहेंगे। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं जो 1 साल का होल्डिंग पीरियड लेके चल रहे हैं उनके लिए मेरे भाव जो है वो 180 और 220 है। अब आप लोगों को अगर इस पर और कुछ अगर मेरे से पूछना हो तो आप बताइए।